अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आयशा फंडामेंटल पे। आज मैंने उस तरह से शायद इंट्रो नहीं बनाया, उस तरह से बात नहीं की, एक जोश वाला वो चीज वेलकम आप लोगों को उस तरह नहीं कर पाई। और आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि इस वजह क्या है। पूरी दुनिया ही इस बात से उदास है। आपने जो है जानते हैं कि अभी ऋषि कपूर साहब, ऋषि कपूर जी, द ग्रेट ऋषि कपूर जी की जो है आज डेथ हुई, उनकी वो इस दुनिया से चल बसे। और उससे कुछ ही घंटे, मतलब 24 घंटे पहले इरफान खान, द ग्रेट आर्टिस्ट, द ग्रेट एक्टर, द ग्रेट ह्यूमन बीइंग, वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। तो इस मौके पे कोई ऐसी वीडियो बनाना, कोई गाने वाली, कोई बहुत ही हंसी खुशी वाली, हल्ला गुल्ला वाली, ये मुनासिब नहीं। हम एक आर्टिस्ट कम्युनिटी हैं और हमारा उनसे इंसानियत का रिश्ता तो है ही है, लेकिन एक एंटरटेनमेंट से ताल्लुक रखते हैं हम। इस 24 की दुनिया से शायद कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ताल्लुक रखते हैं, तो इस हवाले से हम एक जो है एक आर्टिस्ट कम्युनिटी होने के नाते भी हमारा एक ताल्लुक है। इसलिए आज हम वीडियो में जानेंगे, ऋषि कपूर साहब को याद करेंगे। उम्मीद है आप सब वीडियो पसंद करेंगे। कहते हैं ना कि बहुत वो नहीं होती है कि इंसान का सांस बंद हो जाए, सांस रुक जाए, सांस खत्म हो जाए, मौत वो होती है। ऐसे मौत वो होती है कि जब आप इस दुनिया से रुखसत हो जाएं और आपको पीछे से कोई याद करने वाला ना हो। इसलिए ऋषि कपूर जी हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे और हम हमेशा उनको ऐसे ही प्यार करते रहेंगे। इन्हें हम प्यार से कहते हैं चिंटू जी, नाम ऋषि कपूर। यहाँ किसी को किसी की खबर नहीं। जन्म 4 सितंबर सन 1952 में हुआ। ये हैं महान अभिनेता पृथ्वीराज कपूर साहब के पोते और महान शोमैन राज कपूर के सुपुत्र ऋषि कपूर। बहुत से लोग ये कहते हैं कि ऋषि कपूर सबसे पहले सिनेमा के पर्दे पे नजर आए थे फिल्म मेरा नाम जोकर के साथ। पर अगर वक्त के पन्नों को पलटते हुए थोड़ा सा हम पीछे जाएं तो फिल्म श्री 420 में ये अपने भाई और बहन के साथ एक गाने में नजर आते हैं, जिसमें नरगिस जी कहती हैं, मैं ना रहूंगी तुम ना रहोगे फिर भी रहेंगी ये निशानियां। जी हाँ, श्री 420 का ये गाना प्यार हुआ इकरार हुआ में राज कपूर साहब के 3 बच्चे नजर आए थे। ये किस्सा भी मशहूर है, जब राज कपूर साहब अपने जीवन की सबसे महत्वाकांक्षी फिल्म मेरा नाम जोकर बनाने जा रहे थे और उन्हें यंग जोकर की तलाश थी, तब उन्होंने अपनी बीवी कृष्णा जी से कहा कि अगर चिंटू नन्हे जोकर का किरदार निभाए तो कैसा रहेगा। इससे पहले की बात पूरी होती, दूसरे कमरे में ऋषि कपूर ये तमाम बातें सुन रहे थे और ये भाग के गए अपने कमरे में, दराज खोली, कागज और कलम निकाला और ऑटोग्राफ देने की प्रैक्टिस करने लगे। जानते थे कि फिल्म मेरा नाम जोकर के बाद ये बड़े मशहूर हो जाएंगे। वैसे अपनी तरफ से तो पूरी तैयारी हो ही रही है। ऋषि कपूर बचपन से ही एक्टर बनना चाहते थे, ये बात उनके चाचा शशि कपूर ने कई बार बयां की है कि नन्हा चिंटू अक्सर आईने में अपने आप को देखता, कभी हंसता कभी रोता और ये नोट करता कि हंसते हुए और रोते हुए मेरे एक्सप्रेशंस कैसे आते हैं, मेरे चेहरे पे भाव कैसे आते हैं। और तभी सब समझ गए थे कि ये तो पक्का एक्टर ही बनेगा। मेरा नाम जोकर बॉक्स ऑफिस पर वो कमाल ना दिखा पाए जिसकी उम्मीद की जा रही थी। इस फिल्म ने राज कपूर साहब का दिल तोड़ दिया था और तब राज कपूर साहब ने अपने फिल्म के राइटर्स के अब्बास और वीपी साठे से कहा, हमें एक जबरदस्त फिल्म बनानी होगी, मेरा नाम जोकर का जो पहला हिस्सा है उसी पे आधारित एक कहानी लिखो और उस फिल्म का हीरो होगा चिंटू, बोले तो ऋषि कपूर। ये टीनेज लव स्टोरी क्या कमाल करने वाली है, इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। डिंपल कपाड़िया और ऋषि कपूर दोनों साथ में नजर आए और बॉबी ने वो कमाल कर दिखाया जिसने सबको हैरान कर दिया। एक बात और गौर करने लायक है, वो ये कि ऋषि कपूर साहब को मिमिक करना बड़ा कठिन है, उनकी नकल उतारना आसान नहीं। हर बड़े एक्टर की नकल उतारी जा सकती है, लेकिन ऋषि कपूर अपने आप में ऐसे ओरिजिनल एक्टर हैं कि उन्हें कॉपी करना बहुत कठिन। यह बात सही है कि फिल्म बॉबी में शैलेंद्र सिंह साहब ऋषि कपूर की आवाज बन के आए, लेकिन उसके बाद किशोर कुमार और रफी साहब ने भी बड़े अच्छे गाने इनके लिए गाए। यूं तो ऋषि कपूर साहब की जोड़ी सभी हीरोइन के साथ खूब चमकी, लेकिन
नीतू सिंह के साथ एक अलग ही मामला रहा। दोनों सिल्वर स्क्रीन पर आते तो साफ लगता कि ये एक दूसरे के लिए ही बने हैं, और जब इनका प्रेम संबंध परवान चढ़ रहा था तब ऋषि कपूर साहब ने नीतू जी से पूछा कि शादी वगैरह नहीं करनी है क्या, और तब नीतू जी ने जवाब दिया था शादी तो करूं पर किससे, और तब ये मामला एंगेजमेंट तक पहुंचा और फिर शादी हुई। नीतू सिंह सबसे बड़े फिल्म डायरेक्टर्स के साथ काम कर रही थी, पर चूंकि शादी हो रही थी इसलिए इन्होंने सारी साइनिंग अमाउंट्स वापस की और धीरे धीरे फिल्मों से किनारा कर लिया। ऋषि कपूर और नीतू सिंह के दो बच्चे हुए, रिधिमा कपूर जिसकी अब शादी हो चुकी है और अपने डिजाइनिंग बिजनेस में वो व्यस्त रहती हैं, और बेटा रणबीर कपूर जो बॉलीवुड का एक चमकता सितारा बन चुका है। ये बात भी बड़ी मशहूर रही कि ये कैसे अभिनेता हैं जिनके साथ बड़ी नई हीरोइंस ने काम किया, चाहे वो डिंपल कपाड़िया रही हो या फिर दिव्या भारती। 1999 तक आते आते ऋषि कपूर ने निर्देशन भी संभाल लिया। फिल्म थी आ अब लौट चलें, जिसमें ऐश्वर्या राय और अक्षय खन्ना मुख्य भूमिकाओं में थे। इस फिल्म को डायरेक्ट करने के बाद इन्होंने फिर डायरेक्शन में हाथ नहीं लगाया, पर हाँ बड़ी जबरदस्त फिल्मों में बतौर चरित्र अभिनेता ये नजर आने लगे, जैसे कि हम तुम, कुछ हट्टी कुछ मीठी, और फिर नीतू जी के साथ ही कमबैक किया फिल्म दो दुनी चार में। ये फिल्म बहुत पसंद की गई। चिंटू जी कपूर खानदान के इकलौते ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने राज कपूर के डायरेक्शन में भी काम किया, रणधीर कपूर के डायरेक्शन में भी काम किया, और सबसे छोटे भाई राजीव कपूर के डायरेक्शन में भी काम किया। मतलब मेरा नाम जोकर हो या फिर हो है ना या फिर प्रेम ग्रंथ, ये बात भी मशहूर रही कि मेरा नाम जोकर के बाद ऋषि कपूर को नेशनल अवार्ड दिया गया था बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट का। हालांकि चिंटू जी ने हमेशा ये कहा कि ये वो वक्त था जब ये 14-15 साल के हो गए थे और बच्चे रह नहीं गए थे, फिर भी अवार्ड मिला तो खुशी हुई। ये बात भी बड़ा हजाती है कि भाई ऋषि कपूर साहब ने अपने बच्चों का कोई निकनेम नहीं रखा और इनका नाम चिंटू कैसे पड़ा। बात दरअसल यूं रही, जब चिंटू जी और डब्बू जी दोनों ही बहुत छोटे थे और डब्बू जी बोले तो रणधीर कपूर साहब ने स्कूल जाना ही शुरू किया था, तब एक पहेली इनके सामने आई। पहेली थी, छोटे से चिंटू मियां लंबी सी पूंछ, जहां जाए चिंटू मियां वहां जाए पूंछ। अब इसका मतलब था सुई और धागा। बस ये लफ्ज चिंटू डब्बू जी की जुबान पे ऐसा चढ़ा कि अपने छोटे भाई का नाम चिंटू ही रख दिया। लिहाजा बड़े होने पर ऋषि कपूर ने यह फैसला कर लिया कि मैं अपने बच्चों का कोई निकनेम नहीं रखूंगा। ऋषि कपूर एक ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने भारतीय फिल्मों का इतिहास बनते देखा है, हर एक रूप बदलते देखा है, ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमा रहा हो या फिर चाइल्ड आर्टिस्ट का नेशनल अवार्ड, और डांस के स्टेप्स रहे हो या फिर जज्बाती किरदार, यकीनन भारतीय सिनेमा के इतिहास में इनका नाम हमेशा गर्व से लिया जाएगा। बॉलीवुड इंडस्ट्री का एक मोशन बाग जो है वो आज बंद हो गया। हर जीरो को कहते हैं ना कि हर जीरो को जो है वो ये कुरान मजीद में आया था कि हर जीरो को मौत का जायका चखना है, जो इस दुनिया में आया है उसे वापस भी जाना है, जिसकी जब बारी आएगी, जिसकी जितनी उम्र जो है वो लिखी गई है उसने वहाँ पूरी करनी है, और कोशिश ये करनी चाहिए और हमेशा जो है आपको इस दुनिया को जो है ना वो आर्थिक तौर पर समझ के ही यहाँ पे जीना चाहिए। फानी दुनिया है और हमेशा रहने के लिए नहीं है, तो अपने इसीलिए कहते हैं कि जो है ना दूसरी दुनिया पे जाने के लिए जो कि एक तवील सफर है, जहाँ पे चल बसे हैं ऋषि कपूर जी, चिंटू जी और इरफान खान साहब उससे पहले, तो वो बहुत सफर तवील है, और वहाँ पे यहाँ जो है जो भी अमाल हमने किए हैं उनका हिसाब होना है और दोबारा से एक लंबी सुख। और ऋषि कपूर जी का एक अलग ही एक कैरिश्मा, इतनी उनके मतलब गाने आप रैंडमली कोई भी उठा लो, क्या शायरी होती थी उनके गानों की, क्या उसमें अदायगी, और वो कितने खूबसूरती से उसको जो है एक्ट करते थे, परफॉर्म करते थे। मेरे बहुत से जो है ना फेवरेट, उसमें एक उनका जो है मेरा गाना बहुत ही मुझे उनका पसंद है, उनकी मूवी जो है उनका नाम भूल गया, हमेशा की तरह मेरी याददाश्त माशाल्लाह से, पर शुक्र है कि गाना था तू है वही दिल में जिसे अपना कहा, तू है जहां मैं हूं वहां, मेरी आवाज भरा मतलब
बहुत ही। इसके अलावा जो है अभी ये लॉकडाउन के दौरान बहुत ही कुछ चल रहे थे, हम तुम एक कमरे में बंद हो, तो ये मीम बनी हुई थी कि लॉकडाउन जो है ना, लॉकडाउन ने पूरी दुनिया को जो है ना वो बंद कर दिया है। ऋषि कपूर जी की कौन कौन से वो साग चेहरा है या फूल की लाज सागर जैसी आंखों वाली, इसके अलावा जाए तो नहीं, और कौन से बट नॉट, मतलब कौन कौन से गाने में, मतलब क्या खूबसूरत अदाकार और हंसी और क्या जोड़ी थी यार उनकी, अमेजिंग। मैं मतलब सुबह मैंने मोबाइल अपना जब मैं उठी तो मोबाइल ऑन किया तो लोगों के मैसेजेस आए हुए थे कि ऋषि कपूर हैज डाइड, और जो है मैंने सुबह सुबह मोबाइल ओपन किया जब मैं सो के उठी तो लोगों के मैसेज आए हुए थे कि ऋषि कपूर जी जो है उनकी डेथ हो गई है। पाकिस्तान के लोग इतने रंजीदा और इतने अफसोसदा थे, लाइक जैसे किसी अपने ही किसी की कोई डेथ हुई है, अपने किसी एक्टर की या बहुत ही करीबी की। मुझे इतने मैसेजेस आ रहे थे कंडोलेंस की और इस तरह यार ऋषि कपूर जी की भी डेथ हो गई। अभी इरफान खान साहब जो है क्या एक्टर थे, क्या इंसान, क्या उन पर एक अलग से वीडियो करेंगे, बट और जो है ऋषि कपूर जी भी सब इतने अफसुरदा। फिर मैंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे उनकी वीडियो लगाई जो कि काफ़ी वायरल हुई थी, उनकी किसी डॉक्टर या स्टाफ के साथ जो गाना गा रहे थे वो लगाई, तो मुझे इतने मैसेजेस पूरे मतलब व्हाट्सएप पे इंस्टा पे इतने ज़्यादा लोगों के मैसेजेस आए कि पाकिस्तान के मेरे जो जानने वाले हैं कि प्लीज़ इसको हमें सेंड करो, और इतने ज़्यादा अफसुरदा थे लोग, उनके इतने अफसुरदा मैसेजेस आ रहे थे कि पता चल रहा था कि वाकई आर्टिस्ट जो होता है ना किसी एक सरहद का नहीं होता, आर्टिस्ट जो होता है वो सरहद उसके लिए सरहदें नहीं होती हैं, वो दिलों में बसता है। तो ये इस बात की गवाही थी और मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत ही एक जो है ना इस बात का से खुशी इस बात की भी कि वाकई आर्टिस्ट जो है वो सरहदों से पार होता है और हम लोग जो है इस पार भी रहते हैं और हम लोग जो है बहुत ही मोहब्बत करते हैं। तो हमेशा जो है ऋषि कपूर जी को हम मिस करेंगे, वो हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि सांस रुक जाने से जो है मौत नहीं होती, असल मौत वो है कि आपको पीछे कोई याद करने वाला ना हो। तो ऋषि कपूर जी जो है वो हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे और हम हमेशा उनकी जो है इस तरह मदाह रहेंगे, और हमारी ढेर सारी दुआएं नेक तमन्नाएं जो है उनकी फैमिली के साथ हैं, खुदा उनको जो है सब्र दे और उनको जो है उनकी मदद है रखे। और आप सबका बहुत शुक्रिया, उम्मीद है कि वीडियो को लाइक करते जाएंगे, कमेंट में जरूर बताइएगा आपका इस बारे में क्या राय है, और देखते रहिए फंडामेंटल।